परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया और उन्हें सुंदर अदन की वाटिका में रखा और वहां उन्हें जिम्मेदारी दी कि वो उस वाटिका की देखभाल करें और उसकी रक्षा करें। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका का भंडारी बनाया। प्यारे मित्रों, भंडारीपन क्या होता है? भंडारीपन की जिम्मेदारी क्या होती है? कैसे हम एक अच्छे भंडारी बन सकते हैं? यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आए और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्यारे दर्शकों, सबेथ स्कूल की इस अध्ययन शाला में हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों का मैं पास्टर आरएम डेविड हृदय से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस त्रिमास हम सबेथ स्कूल के अंतर्गत जिस शीर्षक का अध्ययन कर रहे हैं वो है भंडारीपन, हृदय की मंशा। प्यारे दोस्तों, इस विषय के अंतर्गत अगर मैं आपसे कहूं कि भंडारीपन के विषय में इन 3 महीनों में हम अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस त्रिमास हम उन विषयों को देखेंगे जो भंडारीपन से संबंधित हैं। और इसी संदर्भ में हमारे स्टूडियो में इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ में हैं, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच में है पास्टर सतीश शर्मा। पास्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही में हमारे साथ हैं पास्टर रोनल्ड मर्जी। पास्टर मर्जी, हमारे सबेथ स्कूल की अध्ययन शाला में मैं आपका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि जब हम इस विषय के ऊपर अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे देखने वाले सभी दर्शकों को इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष देगा। आपको बता दूं कि इस सप्ताह का जो हमारा शीर्षक है वो है भौतिकवाद का प्रभाव। इससे पहले कि हम इस विषय के ऊपर अपने अध्ययन को शुरू करें, मैं चाहूँगा पास्टर मार्जी कि आप हमारे लिए ठहराया हुआ जो मेमोरी टेक्स्ट पार्ट है उसको आप पढ़ दें, जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद में। रोमी 12 का 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर अपने इस कलाम पे आशीष दे। पास्टर शर्मा, मेरा इसी संदर्भ में सबसे पहला सवाल आपसे है, जब हम भंडारीपन, हृदय की मंशा, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो मन की बात, इसके विषय में जब हम बात करते हैं तो भंडारीपन को लेके अगर मैं आपसे पूछूं कि भौतिकवाद के द्वारा शैतान किस तरीके से एक मसीह भंडारीपन के जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने पद स्थल पढ़ा मार्जी साहब, अभी उस पर मैं फिर से आपकी गौर कराना चाहता हूँ। आपने इस प्रकार पढ़ा है, इस संसार के सदृश ना बनो, डू नॉट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ये इसका तात्पर्य होता है। देखिए, एक भंडारीपन होना एक बात है और पैसे से प्यार करना अलग बात है जी। और कोई बुराई नहीं है अगर हम धन दौलत संपत्ति अर्जित करें अपने परिवार के लिए, अपने सुख साधन के लिए और अपने जीवन शैली और अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हमारा जीवन यापन जो है सही चलता रहे। देखिए, धन दौलत जो है या भौतिकतावाद, भौतिकतावाद एक अच्छा सा शब्द नहीं है क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि एक तरफ झुकाव की बात होती है जी जी। एक तरफ हम मटीरियलिज्म, इसका यथार्थ में अगर इंग्लिश में अनुवाद कर दूं या भौतिकतावाद का, मतलब इंसान ने अपने जीवन को आसान बनाने के जिन संसाधनों का इकट्ठा किया, बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात है। तो उसकी तरफ जब हमारा झुकाव हो जाए तो वो गलत बात है। हमारी सारी इंद्रियां जो है, जो हमारी ध्यान की प्रक्रिया है, सब एक इसी बिंदु पर केंद्रित हो जाए कि हमें संपत्ति या धन दौलत अर्जित करनी है और सुख संसाधनों की तरफ आगे बढ़ना है और बाकी सब चीज हमारे लिए तुच्छ या दोयम दर्जे की हो जाए, तो तब दिक्कत आ जाती है। जब ऐसा होता है तो हम दुनिया के जो स्टैंडर्ड हैं, जो दुनिया के सिद्धांत हैं, स्तर हैं, उसकी तरफ हम अपने आप को मुकाबिल बना देते हैं, उसकी तरफ हम अपने आप को कन्फर्म कर देते हैं
और जो कि हमें नहीं करना है। जी जी। अभी रोमियो 12:2 में यही पढ़ा है कि दुनिया के सदृश ना बनो। और देखिए शैतान जो है जानता है कि इंसान पैसे से या धन दौलत से या इन संसाधनों से बहुत प्रेम करता है और वो किसी ना किसी तरीके से इंसान को अपनी तरफ खींचता रहता है। जी जी। और जब ऐसा होता है तो एक तरीके से हम देखते हैं कि जो धन दौलत है एक तरीके से मुखौटा है शैतान का, जिसके पीछे शैतान हम अपने अपनी तरफ खींचता रहता है। तो इस बाबत हमें अपने आप को सचेत रखना है और अपने आप को जो है एकदम अपने आप को बड़े ही केयरफुल रखना पड़ता है, ध्यान से रखना पड़ता है कि हम इसके ट्रैप में ना पड़े। बहुत अच्छी बात आपने कही भाई साहब, लेकिन मैं इसी संदर्भ में आपसे आगे भी कुछ सवाल करूंगा, लेकिन इस समय मैं पास्टर मार्जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। परमेश्वर का धर्मशास्त्र हमें कहता है कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, और इस सप्ताह का जो हमारा इस समय का शीर्षक वो कहता है इस दुनिया का ईश्वर। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया, लेकिन वर्तमान समय में वास्तविक स्थिति यह है कि हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने ईश्वर बना लिए हैं, अपने ही ईश्वरों के पीछे भागते चले जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा संसाधनों को, लोगों ने कई दफ़े संसाधनों को भी ईश्वर बना लिया है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही, परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है। बाइबल का पहले किताब उत्पत्ति इसी से शुरू होता है। जी, और अब मनुष्य क्या करने लगा, अपने संसाधनों को पूरा करने के लिए। आजकल जो है पैसा सब कुछ हो गया है, बहुत सारे लोगों का जीवन में पैसा सब कुछ हो गया, मनी हैज़ बिकम द गॉड, और इसके आधार पर अपना सारा जीविका इसी में चलाते हैं। और वे लोग यह सोचते हैं कि जो मेटेरियलिज्म है, जो क्या कहते हैं भौतिकतावाद, इसी के पीछे वो लोग पड़े रहते हैं। और जब व्यक्ति का इच्छा इसी में लग जाता है और उसका सारा इच्छा, उसका सारा डिज़ायर्स इसी में लग जाता है, और आत्मिक बातों में अगर मन नहीं लगता है तो इस खतरे में वो पड़ जाता है। देखिए सुलेमान राजा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस विषय में क्या कहता है, व्यवस्था सबोपदेशक किताब में उसका 5वें अध्याय में यहाँ पर 10th verse में इस प्रकार से लिखा है, जो रुपया पैसा से प्रीत रखता है वो रुपया से तृप्त ना होगा। जी। वो तृप्त नहीं होता है। और आगे कहता है ना, जो बहुत धन से प्रीत रखता है लोभ से यह भी व्यर्थ है। तो जो केवल पैसा का पीछे और धन दौलत के पीछे अपने जो पूरा काम और मेहनत लगाता है वो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। और बाइबल के और एक पदस्थल यहाँ देखिए, पहले योना के किताब में किस प्रकार से वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर कहते हैं पहले योना 2:16-17 पढ़ूंगा। यहाँ पर कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, धन दौलत जो कुछ भी है, मुझे ये पसंद आया, मेरा घर में ये भी होना चाहिए, मेरी इच्छा है कि, तो ये सारे चीज़ों के बारे में कहता है वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। सच में यह बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम भंडारीपन के विषय में सीख रहे हैं, जो ईश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, नैतिक जिम्मेदारी दी है, उसमें संसारिक भौतिकवाद का कोई स्थान नहीं होता है ना। बहुत अच्छी बात है, हम इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। तो भाई साहब हम फिर से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे दर्शकों आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अध्ययन कर रहे हैं भौतिकवाद के विषय में, भंडारीपन से संबंधित चर्चा में आपका स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों का। प्यारे दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं भौतिकवाद का प्रभाव भंडारी जीवन के अंतर्गत। आइए हम अपनी इस चर्चा को हमारे मेहमानों के साथ आगे बढ़ाते हैं। पास्टर शर्मा जी, इसी विषय के अंतर्गत मेरा अगला सवाल आपसे है। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र के लूका उसके 12:15 में एक धनवान व्यक्ति के विषय में दृष्टांत है, उसके विषय में जिसकी अत्यधिक उपज हुई है ना, इस दृष्टांत को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए चाहे हम गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, और हमें ये लालसा लगी रहती है कि हम अर्जित करें, कुछ ना कुछ संसाधन जुटाते रहें, अपने लिए इकट्ठा करते रहें,
लेकिन जब ये ख्वाहिश में सोचना कोई बुरी बात तो नहीं है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, वो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बल्कि भविष्य निधि की बात करें तो गवर्नमेंट भी देती है कि भविष्य के लिए हमें अर्जित करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता बुरा समय कब आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब वो लालसा हद से ज्यादा बढ़ जाए तब दिक्कत आती है। और यही बात जो है हमारे आज के इस विषय में भी हम देख रहे हैं, जैसे आपने एक पद स्थल बताया लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय 15 से 21वां पद जो है, इसमें एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु ने कहा कि एक इंसान था और बहुत अमीर होगा, खाते पीते घर का होगा और खेती बाड़ी होगी उसकी, और उसने जो है खूब फसल बोई और फसल बहुत हुई, और उसने अपने मन में कहा एक दिन, देखिए अब तो बहुत फसल हो गई है, अब मैं इसका क्या करूं, जो मेरे खेत खलियान है उनमें बहुत उपज हुई है, अब मैं जो मेरी पुरानी बखारियां जो है उन्हें तोड़कर और नई बनाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा, और ऐसा सोचता हुआ वो अपनी चिंता में डूब गया खलिहानों को भरने की बात भरने के लिए। हाँ, और अपने उसने अपने मन से कहा, अपने दिल से कहा कि हे मेरे दिल जो है मैं इसे अब पूरा भर के उसके बाद खा पी मौज कर और ऐश कर, ऐसा करना, आराम से तू जिंदगी बिताना, उसने अपने हृदय से कहा। लेकिन तभी उसे ईश्वर की आवाज आई, उसी दिन ही ईश्वर ने कहा हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि तू इतने लंबे लंबे तजवीज बना रहे, तेरे प्राण आज ही उससे ले लिए जाएंगे, तू तो कह रहा है कि हे मेरे प्राण जो है ऐश कर और मजा कर और खूब हुआ है, लेकिन तेरे प्राण आज ही चले जाएंगे। तो ज्यादा संपत्ति हद से ज्यादा अर्जित करना भी कोई फायदे की बात मतलब नहीं है। कि पाप के संसार का कोई भरोसा नहीं कि कल क्या होगा। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। परमेश्वर यही कहता है, ये कहना चाहता है कि हमारे प्राण कब चले जाएं इसका हमें कोई भरोसा नहीं है। जितनी हमें जरूरत है सहूलियत के लिए उतना ही हम अर्जित करें, उससे ज्यादा जब पड़ जाते हैं पीछे तो हमारा जो भाग्य है वो दुर्भाग्य बन जाता है, लालच में बदल जाता है, लालच में बदल जाता है, का परिणाम हमेशा बुरा बहुत बुरा होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही पास्टर शर्मा। इसी संबंध में मैं आपसे बात करना चाहूंगा पास्टर मार्जी। ये जो भौतिकवाद है, जैसे अभी पास्टर ने कहा कि बहुत कुछ अपने सुख संसाधनों के लिए आदमी जब एकत्र करता है और उसके लालच में उलझ जाता है, उसे हम भौतिक जरूरतों के लिए जो चीजें इकट्ठा करते हैं, इसका प्रभाव एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, भंडारी व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से होता है? मेरा सवाल यही है कि संसार किस तरीके से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है अपनी तरफ? विज्ञापन, हर चीज में विज्ञापन, हर तरफ, घर से बाहर देखिए विज्ञापन, टीवी में देखिए विज्ञापन, पूरे ट्रेनों में देखिए, पूरा ट्रेनों को विज्ञापन से भर दिए हैं। तो इस प्रकार से लोगों को आकर्षित करता है। विज्ञापन 10 सेकंड का होता है, 15 सेकंड का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सेकंड का होता है, करोड़ों अरबों रुपया उसमें डाला जाता है। और इस बात को लोग समझ गए, बाइबल में भी इसके बारे में, आँखों का बारे में यीशु जब अपना पहाड़ी उपदेश देता है तो देखिए इतना सुंदर रीति से वहाँ पर कहता है 22 से 24, मत्ती 6:22-24 वहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि शरीर की दिया आँखें हैं, और फिर कहता है इसलिए यदि तेरे आँखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला में है। फिर कहते परंतु यदि तेरी आँखें बुरे हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कितना बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है इन आँखों के द्वारा हम लोग जो है बहुत आकर्षित होते हैं दुनिया के विज्ञापनों के द्वारा, और ये बहुत, ये जो मेटेरियलिज्म पर दुनिया के सुख और दुनिया के सारे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें जो इच्छा और लालसा बढ़ा देता है, पर इसके साथ साथ ये जो विज्ञापन हमें परमेश्वर से दूर कराता है। मैं और एक पदस्थल पढ़ना चाहता हूँ, वो गलातियों का किताब उसका 5:16 में देखिए यहाँ पर क्या कहता है, परंतु मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो इस प्रकार से जो है ये खतरा, ये इच्छा, ये जो दुनिया की शरीर के उनके जैसे उठना बैठना और उनके समान जो है तुलना करने में हमें जो है बहुत आकर्षित कराता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें संसार में तो रहना है लेकिन संसार के सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। जी 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 जी। मैं, मेरा बड़ा ही साधारण सा सवाल है इस विषय में, तो क्या हमें इन तमाम संसारिक चीज़ों के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन का हिस्सा है? अगर मैं पैसा कार के पीछे लगाऊं कि मुझे कार चाहिए और वही कार चाहिए, और मैं सोचो तब मैं अच्छा से घूमूंगा फिरूंगा,
तो ये संसारिक तौर हो, पर अगर मैं सोचूंगा मुझे वो कार चाहिए ताकि मैं जाकर के मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करूं, वही चीज अब जो है वो संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए, संसाधनों की आवश्यकता और उसकी इस्तेमाल अलग किस प्रकार से इस्तेमाल करें, अपने लिए, स्वार्थ के लिए या परमेश्वर के लिए। तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर हमारे जरूरतों को जानता है, वो हमारे जरूरत को जानता है, और परमेश्वर ऐसा कोई भी चीज हमसे इनकार नहीं करेगा जो हमारा भलाई के लिए होगा जी। और इसके साथ साथ परमेश्वर ऐसा कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं आने देगा जो हमारा नुकसान का कारण भी हो सकता है। इसका मतलब है कि एक भंडारी को इस संसारिक चीजों में और ईश्वरीय चीजों में भेद करना आना चाहिए। यस, उसे मालूम होना चाहिए कि जो संसार का लाभ है वो आखिरकार हमें जो है मृत्यु की तरफ लेके जाता है। तो ईश्वरीय भंडारीपन क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा मुझसे। ईश्वरीय भंडारीपन में जो है व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का सोच विचार, व्यक्ति का मकसद, और ये संसार की चीजें तो है, जरूरत है, पर उसी में मगन नहीं रहता है व्यक्ति जो है परमेश्वर पर, उसके वचनों पर, आध्यात्मिक बातों पर, और उसका मन जो है आत्मिक बातों में रहता है। बहुत अच्छी बात आपने कही भाई साहब। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों आप कहीं जाइएगा नहीं, हम इस सुंदर विषय को फिर से प्रारंभ रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पास्टर सतीश शर्मा जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, जैसा कि हमारा आज का शीर्षक है स्वयं से प्यार करना जी, सेल्फ लव, धन संपत्ति या भौतिकवाद जी, किस तरह एक मनुष्य के अंदर झूठी शानो शौकत का प्रभाव उत्पन्न करता है, कैसे एक व्यक्ति जो है अपने आप को बूस्ट करता है, कैसे अपने आप को इस प्रभाव के अंतर्गत ले आता है और घमंड और भंडारीपन के जीवन से अलग हो जाता है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि फूल के समा जाना, कुप्पा बन जाना, घमंडी हो जाना, बोस्टफुल हो जाना, ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, खतरनाक बात है, क्योंकि एक तरीके से छलावा है, बहकावा है, अपने आप को धोखा देना। हाँ, ये नहीं पता कब आप में पिन चुभ जाए और कब आपकी सारी जो है वो हवा निकल जाए, पता नहीं चलता जिंदगी में, ठीक है। और मैं इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जो बताना चाहूंगा वो लूसीफर का है जी। हाँ, लूसीफर जो है सम्मोहित इतना हो गया था खुद से, अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा था कि वो तो परमेश्वर परमात्मा प्रभु से भी ऊंचा समझने लगा था। हाँ, कहने लगा था मैं तो आपसे भी बड़ा हूँ, ठीक है। वो अपने आप से इतना आत्म प्रेम करने लगा था, आत्म मोह, लव ऑफ सेल्फ इतना हो गया था उसमें तो, लेकिन वो सब उसकी झूठी शान शौकत थी, उसका एक तरीके से बहकावे वाली जिंदगी थी। वो अपने ऊपर इतना निर्भर हो गया था, सोचने लगा था कि वो सबसे गुणी है जी। हाँ, सबसे जानने वाला है और सबसे आत्मनिर्भर है वो, ठीक है। तो इस तरीके की जब भावना इंसान में आ जाए उससे खतरनाक और डरावनी बात किसी भी इंसान के लिए और हो नहीं सकती है। लूसीफर एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है और वही उसके गिरावट का कारण भी हुआ। कहते हैं कि सेल्फ डिसेप्शन जो है और सेल्फ लव, अपने आप को छलावा कर देना, ठीक है, बहकाना और अपने आप से प्यार करना, ये दो बड़ी खतरनाक स्थिति है जब किसी के इंसान के मस्तिष्क दिल दिमाग पर छा जाए, प्रभाव भी डालती हैं। हाँ, और इसे हम एक तरीके से एक शब्द है अंग्रेजी में नार्सिसिज्म जी, नार्सिसिज्म कह सकते हैं। नार्सिसिज्म एक युवक की कहानी है ग्रीक माइथोलॉजी में, कि वो पानी में जो था उसने झुका पानी पीने के लिए या इसी कारण, और उसने अपना चेहरा देखा और उससे उसे इतना प्रेम हो गया कि उसे प्यार में पड़ गया उस छवि के, और लेकिन वो तो उसकी खुद की छवि थी, वो उसे कहाँ मिलने वाली थी, लेकिन सब जगह वो भटकता फिरा, उसे खोजता फिरा, लेकिन वो इंसान जिससे वो प्रेम में पड़ गया था वो उसे हासिल नहीं हुआ। तो सेल्फ डिसेप्शन जो है और सेल्फ लव इसी प्रकार की बात होती है जो लूसीफर में देखी गई। एक और हम उदाहरण देखते हैं, आप देखें नबूकदनेस्सर जी। हाँ, नबूकदनेस्सर सबसे ऊपर अपने आप को समझने लगा था, सोचने लगा था मैं ही बस ईश्वर हूँ, उसका हश्र क्या हुआ, पागल हो गया कुछ समय के लिए। फरीसी लोग जो थे यीशु मसीह के समय में वो भी यही सोचते थे कि हम तो दूसरों से ऊपर हैं। और जिस तरीके का ये आत्म संपन्नता
का भाव उत्पन्न कर देती हैं चीजें, खतरनाक चीजें हैं, ऐसे धन दौलत जो है उसे अर्जित करने की भावना जी। इंसान को मोटा कुप्पा बना देती है, अभिमानी और घमंडी बना देती है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, पौलुस ने तिमोथियस से यही कहा था जी। हाँ, कि देख ऐसे लोगों से सावधान रहना जो अपने घमंड करते हैं अपनी धन दौलत संपत्ति पर। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सेल्फ लव जो है वो जरूरी जरूर हमारे अंदर घमंड को उत्पन्न करता है और पाप की तरफ हमें लेके चलता है। तो जो सच है वो सच ही होना चाहिए ना। भाई साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि सुलेमान बादशाह ने कहा कि इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, चाहे वो अपने आप से प्यार करना हो या ईश्वर से प्यार करना हो या संसार से प्यार करना हो, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ निरर्थक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि संसार व्यर्थ है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? संसार और उसके चीज़ें व्यर्थ है, ये सुलेमान राजा कहता है। और देखिए यीशु क्या कहता है, यीशु कहता है कि मैं दाख लता हूँ और तुम डालिया हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पर इस संसार, इस दुनिया में जब मटेरियलिज्म को देखते हैं, अपना पहचान, अपना आइडेंटिटी इन चीज़ों से वो लोग बना के रखते हैं। आप मुझे नहीं जानते हो, मेरा एड्रेस कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, आप मुझे नहीं जानते हो मैं कौन सा गाड़ी चलाता हूँ। बिल्कुल, लोग अपना पहचान, अपना आइडेंटिटी, मतलब ब्रांडेड कपड़ा मैं पहनता हूँ, मेरा यही ब्रांड है, ठीक है, मेरा परफ्यूम यही है, अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान मटेरियलिज्म से करते हैं जी। हाँ। और इस प्रकार से जो है, देखिए याकूब क्या कहता है, एक पदस्थल में पढ़ना चाहता हूँ जो है जेम्स 5:3 में मिलता है, कहता है तुम्हारा सोना चांदी में काई लग गई है और अब कोई तुम पर गवाही देगी और आग के सामने तुम्हारी मांस खा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब 70-80 साल के जीवन के लिए इंसान इतना भागता है और अनंत जीवन की बात ही नहीं करता है ना। नहीं करता। तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, मैं चाहूंगा इस संदर्भ में आगे भी आप चर्चा। हमारा पहचान जी, हमारा आइडेंटिटी मसीह में होना चाहिए जी, इन दुनिया के चीजों पे नहीं, भौतिकवाद में नहीं जी, बल्कि मसीह के चरित्र पे हम आधारित होना चाहिए। हम जो है हम जो है जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन होगा, मन भी रहेगा, आत्मिक बातों में, इन बातों में, तब हम लोग जो है इस भौतिकवाद में हम लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि उसका अंत जो है बुरा है। बहुत अच्छी बात आपने कही भाई साहब। अब समय है कि हम हमारे इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने अच्छे विषय के ऊपर हमारे साथ चर्चा को जारी रखा। अब समय है कि हम अपने इस कार्यक्रम को बंद करें। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, पास्टर शर्मा, मैं चाहूँगा कि आप अंत में हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है प्रभु इस सभा के लिए और जो कुछ हमने तेरे वचन से सीखा है। हम चाहते हैं हम एक अच्छे भंडारी तेरे संपत्ति के और प्रभु जो भी संसाधन दिए हैं उसके हम बन सकें। ये सब आशीष यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से हमारे पासबानों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपने भंडारीपन और भौतिकवाद के जो प्रभाव मसीह जीवन पे होते हैं उसके विषय में सीखा होगा। ईश्वर आपको इस विषय के द्वारा आशीष दे। अगर आप और भी अधिक इस विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, खुदा आपको आशीष दे।